हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए मार्केट आवर की वीडियो ले आया हूँ, जिससे कि आप भाई कोई भी हड़बड़ी में गलत डिसीजन ना ले लें। तो जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में। तो आप देखेंगे, ये मैंने रैंडमली कुछ स्टॉक्स लगा रखे हैं। ये आपका है, ये कोलगेट है दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी गिरा ही नहीं है इस मार्केट क्रैश में भी। तो इसमें पैसा लगाने का कोई पॉइंट नहीं अभी तो। अभी तो इसको गिरने दो, नहीं गिरता है तो भाई कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में। और भाई ये उज्जीवन में तो आजकल काफ़ी इंट्राडे चल रहा है, आरती इंडस्ट्रीज बहुत भाग चुका है, एबर्ट इंडिया भी बहुत महंगा है, अडानी गैस हाई रिस्क हाई गेन है। इसको आप चाहें तो भाई बहुत कम रेट्स पे खरीद सकते हैं, और ये भाई आपको शॉर्ट टर्म में आपके पैसे को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। एफल के लिए दोस्तों आपको वेट करना है, ये बहुत शानदार स्टॉक है। और इसके तो मैं दोनों एनएससी और बीएससी लगा के रखता हूँ। क्यों लगा के रखता हूँ? क्योंकि इसके प्राइसेज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है एनएससी और बीएससी में, तो इसके लिए मैं दोनों लगा के रखता हूँ, और जहाँ पर सस्ता मिलता है वहीं से खरीदता हूँ दोस्तों। और भाई एशियन पेंट्स तो हमें पता था, इसको तो गिरना है भाई, और इसको और गिरने देना है दोस्तों। इसमें आपको जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रल पाइप्स में भी आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, इसको भाई अभी और गिरने दो, ये अभी और गिरेगा, तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करो प्लीज़। और ये एस्ट्राजन बहुत ज़्यादा भाग चुका है लेटली, फार्मा का स्टॉक है इसीलिए बहुत ज़्यादा भाग चुका है, और अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भाई ये है आपका अवंती फीड। अवंती फीड पे दोस्तों आपको नज़र गड़ा के रखनी है भाई, बहुत शानदार स्टॉक है ये, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और भाई वैसे तो स्मॉल कैप है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें इस पर नज़र गड़ा के रखनी है और मंदे रेटों पर लेना है दोस्तों। कुछ भी भागी हुई मार्केट में नहीं खरीदना है भाई, मंदे रेटों पर लेना है, तभी आपको मज़ा आएगा दोस्तों। और आई होप मेरी वजह से आपको थोड़ी सी मदद मिलती होगी वेट करने में, क्योंकि अगर आपको कोई साथी नहीं मिलता है वेट करने के लिए तो आपको लगता है कहीं आपका मौका ना चूक जाए। तो आई होप मैं आपके डिसीजन लेने में थोड़ी सी मदद कर पाता हूँगा। बजाज फिनसर्व में भी आपको वेट करना है भाई, ये भी हमें फिर से मिलेगा 4500 और उसके नीचे। और बजाज फाइनेंस तो दोस्तों हमने तो पहले खरीद लिया था 2000 के आसपास, और अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक बजाज फाइनेंस नहीं खरीदा है तो आप इसको डेफिनेटली इस प्राइस पे खरीद सकते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी बजाज फाइनेंस नहीं है। अगर आपने अभी खरीदा था ये 2000 से 2100 के बीच में, तो भाई अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ये बंधन बैंक में तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है कर सकते हैं, इस पर तो भाई लॉन्ग टर्म में तो प्रेशर बना रहेगा अभी 1-2 क्वार्टर। बैंक ऑफ बड़ौदा से दोस्तों आप जितनी जल्दी हो सके निकल सकते हैं, आप इससे तो भाई जल्दी से एग्जिट कर दीजिए। ये अगर मार्केट भागेगी भी तो भाई ये स्टॉक नहीं भाग पाएगा, ये पीएसयू बैंक है, और भाई इसमें ज़्यादा कोई दम दिख नहीं रहा है। अगर आप इसको टेक्निकली भी देखना चाहेंगे ना, तो आपको मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ, तो भाई आप इसका चार्ट देखो एक बार, वन डे का इसमें आप चार्ट देखो, बाप रे बाप। एक तो इसका ट्रेंड देखो, आप ट्रेंड देखो बिल्कुल, है ना, ये ट्रेंड देख लिया आपने, और यहाँ पे देखो एमएसीडी का क्रॉसओवर आने वाला है ना। आरएसआई भी बिल्कुल वीक हो चुकी है भाई, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बाकी है दोस्तों, तो इससे तो आप निकलने में ही भलाई है आपकी। और इसका अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखेंगे ना, तो इसको देखो जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसने भाई कब से अप ट्रेंड पकड़ा ही नहीं है भाई। ये देखो, ये हम 2019 में पहुंच गए हैं, उसके पहले से भी सिर्फ गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है। और देखो भाई कितना पीछे तक जाऊं मैं, 2017 तक पहुंच गया हूं, 2017 से ये गिर ही रहा है दोस्तों। तो भाई आप देख सकते हैं आपको क्या करना है इसमें, मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों और क्या है स्टॉक भाई, बाटा इंडिया है, इस पर आपको नज़र रखनी है भाई, अभी नहीं खरीदना है, महंगा चल रहा है। भारतीय एयरटेल भी काफ़ी महंगा चल रहा है, अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे चला गया है। भेल में मैंने आपको ऑलरेडी एग्जिट बोल दिया था दोस्तों, और आई होप आपने किया होगा तब। ब्रिटेनिया के लिए आपको वेट करना है, बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है। सिप्ला के लिए भी आपको वेट करना है, एससीएल टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको वेट करना है, और एचडीएफसी पे तो हमारी नज़रें हैं ही दोस्तों। मैंने आपको एचडीएफसी के लिए तो बता ही दिया था कि ये 1600 आएगा, फिर से आएगा 1600, और 1600 के आसपास आते ही हम इसको फिर से खरीदेंगे भाई। एचडीएफसी एएमसी के लिए आपको बता रखा है आपको वेट करना है इसके लिए, और आपको ये भी बता रखा है आपको कितने पे जीडीटी लगाना है इस पे। एचडीएफसी बैंक के लिए आज आप लोग कमेंट कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक के लिए भी अभी आप वेट कर सकते हैं, चाहो तो आप थोड़ा सा खरीद सकते हो एचडीएफसी बैंक, अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप इस बैंक में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि भाई इस बैंक में तो सभी इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास तो ऑलरेडी है और आपके पास भी होगा मुझे लगता है, ये तो सबके पास ही होता है, तो मैं तो इसको अब बहुत ज़्यादा मंदे रेटों में ही खरीदूंगा, इसको मैं 800 के आसपास ही देखूंगा अब तो। एचडीएफसी लाइफ दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ बहुत अच्छा स्टॉक है लेकिन भाई महंगा चल रहा है, एचडीएफसी लाइफ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ भाई, कब मौका मिलेगा दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों 8% भागा हुआ है, तो अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं तो आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हैं, क्योंकि भाई अभी ऑटो सेक्टर में तो थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा 1-2 क्वार्टर, तो अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एचयूएल हमने ऑलरेडी 2000 के आसपास खरीद लिया है, अब और नीचे जाएगा तभी इसमें खरीदी करेंगे, नहीं तो हम तो भाई वेट करने को तैयार हैं। आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों वो जो इनका सिंगापुर में जो कंपनीज थी उसमें इनका एक्सपोजर पाया गया है, इसीलिए भाई ये आईसीआईसीआई बैंक टूटा है आज, और मेरे ख्याल से तो ये अभी और भी वीक रहेगा दोस्तों, तो मैं अभी आईसीआईसीआई बैंक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं।
और इन्फोसिस से ज़्यादा मैं TCS को प्रेफर करता हूँ दोस्तों। अगर ये बहुत ज़्यादा मंदी रेट में मिलेगा तो मैं इसकी तरफ ध्यान दूंगा। IRCTC में दोस्तों आज प्री ओपनिंग मार्केट में ही भाई अपर सर्किट लग गया था। इसको आज खरीदने का सिर्फ एक ही तरीका था, प्री ओपनिंग मार्केट। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट था तो आपको सिर्फ प्री ओपनिंग मार्केट में खरीदा जा सकता था ये। और दोस्तों कैसे खरीदते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है, और कैसे ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो है दोस्तों, आप वो देख सकते हैं। ITC दोस्तों, ITC बहुत वीक चल रहा है भाई, इसको और गिर जाने दो अगर आपको इंटरेस्ट है ही। अगर आपको लगता है कि अब तो इसमें गिरने को कोई बाकी नहीं रह गया है, आपको इसमें वैल्यू बाइंग करनी है, तो इसको और गिर जाने दो, तब आप इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग कर सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई, कोटक बैंक। कोटक बैंक को तो हम और गिरने देंगे भाई अब, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इसको 1140 के आसपास खरीद रखा है, तो हम तो इसमें और वेट कर रहे हैं। अगर ये गिरेगा भाई 1140 से नीचे और जाएगा तो हम फिर से इसमें स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ करना। L&T दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था, L&T के बारे में तो कल ही वीडियो डाली थी भाई। और मनापुरम और मुथूट फाइनेंस, ये भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों। मनापुरम तो काफ़ी गिर गया है लेकिन मुथूट फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं गिरा है भाई। मनापुरम को भी आप अभी थोड़ा गिर जाएं तो ये भी आपको 90 के आसपास मिल जाएगा, तब आप मनापुरम को खरीद सकते हैं। मुथूट फाइनेंस तो अभी बहुत महंगा है। और NBCC में कुछ लोग, आप लोग फंसे हुए हो 22 रुपये पे, तो आप इसमें थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, चाहे आपको टाइम लग जाए पर आपका पैसा मिल जाएगा दोस्तों। ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा लेकिन आपका पैसा वापस मिल जाएगा। नेस्ले इंडिया में हम वेट करने को बिल्कुल तैयार हैं भाई, और आप देख सकते हैं भाई, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को अभी रैपअप करते हैं। एक बार ये पिडिलाइट को ले लेते हैं, तो पिडिलाइट को हम वेट करने को तैयार हैं। पिडिलाइट को तो हम बिल्कुल आंखों के सामने रख रहे हैं, ये जब भी आएगा दोस्तों हमें इसको खरीदना है भाई। बहुत ही शानदार स्टॉक है ये, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये गिरने का नाम नहीं लेता है। अभी थोड़ा बहुत गिरना स्टार्ट हुआ है, इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। पिडिलाइट को तो देख ही लेते हैं एटलीस्ट चार्ट पे। तो अगर आप पिडिलाइट को चार्ट पे देखेंगे तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये वीक चल रहा है, तो आप इसमें जूम इन करते हैं तो देखो दोस्तों ये MACD ने क्रॉसओवर दे दिया था, और भाई इसकी RSI भी वीक है, ज़्यादा वीक नहीं है पर थोड़ी सी वीक है, और इसने ये अपना मीडियन और 20 डे का मूविंग एवरेज तोड़ दिया था। तो मेरे ख्याल से तो दोस्तों अभी तो इसको बोलिंजर बैंड तक, तो यहाँ तक तो आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं भाई कैसा रहता है ये स्टॉक। अगर इसमें वीकनेस बनी रहती है तो उसके बाद भी वेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी करने का कोई पॉइंट नहीं है, आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ब्रीफ कर दिए हैं। ये टाइटन के बारे में हमने बात करी थी, इसको अभी हम और गिनने देंगे क्योंकि अभी ये वीक लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में ब्रीफ कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।